गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कनी का नाक लगी है भाई भाई। तो गाइस आज है डे फोर्थ या डे थर्ड है, तीन दिन में आए चार हुए आज भाई, फोर्थ डे है। तो अब हम निकलेंगे वापस घर के लिए। तो रास्ते में सिलीगुड़ी रुकेंगे और फिर दूसरा स्टे होगा गोरखपुर, क्योंकि यहाँ से 1800-1900 किलोमीटर दूर है घर पे घर। तो बीच में भाई स्टे लेते जाओगे। और कनी का देखो बैठी है कती बाड़ा है ना कती। अब देखते हैं वो रेडी भाई ना भाई। हेलो गुड मॉर्निंग, आर यू रेडी? नीचे हीटर धर रहा है क्या? पैकिंग चल रही है भाई, अब निकलेंगे हम। और बाहर का मौसम देखो, इन जूते की इतनी आवाज हो रही है यार, फास्ट थोड़ी धूप निकल रही है। जब मैं हाफ स्लीप पहन रही है देखो, हाँ साफ मौसम है। हमेशा कनिका लेट करती है भाई, हमेशा हमेशा कनिका लेट करती है। देख बाथरूम साफ कर रहे। अरे कनिका घर कौन है हमारा? अरे देख के पहले चप्पल देखी थी, बाकी अच्छी लग रही थी चप्पल तेरे को, तेरे पे। यू कैन टेक दिस एट होम, जल्दी कर ले, टाइम कौन है। बैग पैक हो गया भाई, जो कि मेगा बैग है, ये इसके एसेंशियल्स हैं। चलते हैं घर पे। और पूरा लुक दिखवा दो कैसा है मेरा, ये लुक है मेरा आज का पूरा। और ये किमी का है, ये चलते हैं गाड़ी में सीधा। तो गाइस ऑल आर रेडी, सिर्फ इसका वेट था अपलोडिंग का। ले फोन अपना, चल चलते हैं। लगेज रख लिया हमने सारा, देखो ऊपर बैठ रखा लगेज पूरा, अरे देखो। और चलते हैं, तकाजा भी तो घना हो रहा है किमी के से भी है। चलते हैं भाई, भाई सिलीगुड़ी रह गया भाई 111 किलोमीटर और हमारी गाड़ी चल रही है आराम आराम से। कनी का पीछे मस्ती कर रही है बैग के साथ। अरे हमने भी आई भी फील आने लग रही है, देखियो साइड में लाइन लग रही है। अरे कोई नहीं भाई, अभी एक एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में, देखो शायद कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई, पर देखियो भाई जबरदस्त आगे तो बैठ रही गाड़ी। सिक्किम पुलिस खड़ी है, मुझे लग रहा है ये ड्रिंक कर रहे हैं शायद। ना लग रहा है, देखो इनसे गाड़ी नहीं मुड़ रही, पूरा रोड जाम कर दिया भाई इन पीछे तक का लेगा यहाँ तक पूरा। और पीछे दिखाता हूँ कितना रोड जाम कर दिया। चलो भाई चलो आगे। तो ताऊ जी कह रहे हैं भाई चलो गाइज। यो गाइज कर ही सा हो गया। किमी ओ आ जा भाई रोटी खा ले। किमी गाइज कुछ भी कह रहे उड़े गाइज गाइज। रोटी खा लो गाइज, उतर लो गाइज। तो भाई हम रास्ते में यहीं पे उतरे थे, आपने देखी होगी पिछले व्लॉग में, और यह बोलेगी मूर्ति भी देखी होगी भाई। हम गाड़ी उल्टी मोड़ के लाए उड़े थे, ताऊ जी ने कहा कि यहाँ खाना थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, तो अभी यहीं पे ऊपर चले। हाँ व्यू बढ़िया होगा, खाने मज़ा भी आया होगा। किमी लगा दिया हैंड ब्रेक, तो तू सो गई थी यार। भाई साहब पूरे रास होती आई है, पूरे रास होती। अरे मैं ना अपलोडिंग पे लगा रहा था, कदे कोई सब लोग क्या परसेंट हुआ देखिए, कदे कोई सब लोग चल पड़े, कदे कोई सब लोग अपने आप है। तो भाई ऊपर देखो भाई, ये बना रखा है इन ऊपर दिशा, यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट यहीं पे करेंगे हम। और बाहर का व्यू देखो, और भाई क्या खाओगे आज तुम? जिंदा उसे जिंदा फ्राइड
भाई ये बाबा जी हमें आप तू ये पैर चली पता डर लगन लग रहा रिंद तो बता भी ना सकता क्योंकि ताई जी कहते हैं भाई अपने कपड़े पहन के चलिए सारे ये सारे पूरे कवर हो रहे हैं देख लो किसी का हाफ स्लीव नहीं। अरे मैं थोड़ा रिफंड रहा हूँ क्या खाओगे जल्दी देखो ऑर्डर करो एक ने कमेंट करा था जाडे की बोर ना होती फिर इसलिए कवर करो अपने आप को मेरे पर बात मार दो तो भाई पक्की है। तो भाई फ्रेश फ्रेश पराठे आ गए हैं देखो तंदूरी पराठे हैं और याद आई जी इन माड़ी ही इन के बड़ा हरियाणा के खाएंगे हैं ये मके हो हमारा ताओ जन के कटोरा भर के ले आओ भाई जब काम चल लगा यार खाया ना करते ही खाया करे देखते हैं भाई टेस्ट करी कैसा टेस्ट आएगा देखने में तो अच्छे लग रहे हैं एक नंबर टेस्ट भाई एक नंबर टेस्ट तुमने शॉल देखा होगा भाई वो जो ताई जी का ले लिया उन्होंने तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी अच्छे हैं पराठे तो ना तंदूरी बाकी खाया था ना गर्म पर फिर भी मजबूरी है भाई खाना थोड़ा है तो भाई खाना वाना खा लिया और पापा की जगह भाई किमी आ गया कि पापा पीछे लौट के बढ़िया रेस्ट कर रहे हैं और हम निकलते हैं शिलिंग भी के लिए मन में नहीं सोचती जाऊंगी सब ने दही खाई है बड़ी अब मैं सोचती जाऊंगी ये भी आगे बैठा दी तो गाइस चलते हैं बाकी मन अजीब सा ही हो रहा है मजा सा नहीं आ रहा ना क्या हुआ जो घूमन जाओ थे ना तब जब मन अलग था ये मन अलग अब घर वापसी की तरफ है ना ऐसा क्यों होता है भाई अभी भी टाइम है दो दिन है अभी भी क्यों चलते है कोई ना तू आगे मन दे दिए हम पुलिस वालों ने यहाँ पे पीछे कोई नहीं भाई अपनी अगला स्टाफ के बैठे हैं तो गाइस थोड़ी देर और चल रहे थे और भाई यो देखो एक एक्सीडेंट और हो गया कोई गाड़ी वाड़ी नीचे गिरी हुई है शायद पता नहीं ये ट्रक पर रहा गाड़ी और ये नदी नदी है भाई बहुत जबरदस्त तरी समझ नहीं अभी हम रुके हैं कोरोनेशन ब्रिज के पास और ये ब्रिज ऐसा है भाई अक तुम देखोगे ना तुम अपने आप पर का हो गया बहुत जबरदस्त काम कर दिया जब वॉर हुआ था चाइना के साथ इंदुना भरा कल हुआ था वो वॉर बहुत पहले के टाइम की बात है तो इसके नीचे से फाइटर जेट निकाला गया था मतलब कुछ के मेरा के स्टोरी है यार पर ऐसा हुआ था रियलिटी है ये आपको ब्रिज दिखाता हूँ भाई बैक कैमरे में देखो अंग्रेजों के टाइम का बहुत पुराना ब्रिज है और नीचे में तो गंदगी जा रही है देखो एक ये देखो भाई ये ब्रिज है वो कोरोनेशन ब्रिज अंग्रेजा के टाइम का या नदी आने लग रही है इससे अच्छी थी गैंगटोक ताव है और सिलीगुड़ी कट जान लग रही है नदी और पूरा ब्रिज देखो ना डरावना सा लग गया अंग्रेजा के टाइम का है कहीं चुकर बनाया हुआ यार देखियो जूम करके दिखाता हूँ आपने ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ऊपर इसके नीचे तो जहाज गार्ड रखे हैं बता दियो और हमारी गाड़ी वहाँ पार्क है भाई यहाँ पार्किंग नहीं थी कहीं भी तो वहाँ लगा के आए हम गाड़ी कहीं कहीं तो डर है यार बहुत ज्यादा देखियो ये कुछ भी ना कहते कितना डरावना है कि एक आता पाछा लाल लिखे है कि ताक भी लाल है देख आँख लाल ठीक है अरे बंदर की आँख भी लाल हो भाई अरे मुँह लाल हो यार कनी का मुँह लाल हो यार बंदर का लाल हो हाँ
तो थोड़ा और क्लोज जाते हैं भाई, और दिखाएंगे आपको ब्रिज कैसा है। आड़े तो व्यू तगड़ा होगा, ये यो जो व्यू है ना देखियो, किमी यो व्यू देख देख, बोट पीछे लग गया चल, नीचे बोट चलने लग रही है, मच्छी पकड़ते होंगे ये तो। इसके ऊपर ये रोड है, यहाँ से देखो ये रोड आओ फिर, और ये रास्ता बना रखा है यहाँ से जाने के लिए, भाई इन्हें कोई यूज़ ना करता नीचे जानते ही, छोटा मोटा टी पॉइंट दे रखा है। क्या देखो बार बार में, बाकी कोई गणा उस काम पे घूने की नीचे तो काटने का फाइटर जेट काट दिया हुआ ना, छोटा ही फाइटर जेट वो है, इतना ही तो है। अच्छा ऊपर तले का ही होंगे क्यूकर यार, कितनी स्पीड होता है मेरा फाइटर जेट की, जो फाइटर जेट होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी स्पीड हो गई 3000 कम से कम, 3000 कम से कम, 3000-3500 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से कैसे निकाल दिया होगा, वो तो मैंने सुना है कंफर्म नहीं है कि बोलते हैं इसके नीचे से फाइटर जेट निकाल दिया। अच्छा अच्छा 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो है, जब काट दिया है दोनों को काट दिया हुआ आराम से, नु माले तो इतना आँख आँख मिचेगी ना, इतना ज्यादा लेगा न्यू मूछ के देख मिच के देख कदी बालक सर तू यार। तो भाई अब चलने का टाइम आ गया है भाई, क्योंकि हमने बहुत दूर तक जाना है हमें, ब्लॉग एंड कर दूं क्या दी, और क्या मेरा शुरू है चल ठीक है, बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, ट्रैवलिंग अच्छी लग रही हो तो व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और देखो भाई किसी किसी का डी हड़े ठीक है, ठीक ठाक ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।